अस्सलाम वालेकुम आई होप एवरीवन इज़ डूइंग ग्रेट आज हम करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सेट नंबर वन अगर आपको हमारे किसी भी क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जाइए एंड वहाँ पे इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए हमारी ऐप प्ले स्टोर पे अवेलेबल है एंड ऐप का नाम है शहजार क्लासेस हमारा बेस्ट सेलिंग कोर्स है क्विक रिविजन सीरीज फॉर फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट इसमें मैंने फाइव प्लस क्वेश्चन खुद करवाए हैं ऑफ़ फोर सब्जेक्ट्स अगर आप किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उनके लिए भी मॉक टेस्ट हमारी ऐप पे अवेलेबल हैं जैसे कि पटवारी वीएल डब्ल्यू स्टॉक असिस्टेंट या वेटनरी फार्मासिस्ट अगर आपको सिर्फ क्वेश्चन चाहिए तो वो ऑप्शन भी अवेलेबल है एंड हाल ही में हमारी टीम ने बेस्ट थाउजेंड प्लस क्वेश्चन ऑफ जी के विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर भी अपलोड की है आप उसको भी परचेज कर सकते हो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को पहला क्वेश्चन है रिसेंटली एशियाज फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड पैसेंजर ट्रेन हैज बीन लॉन्च इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज एशिया की पहली हाइड्रोजन पावर्ड पैसेंजर ट्रेन किस कंट्री में लॉन्च की गई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी चाइना अगर पूछा जाए वर्ल्ड फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड पैसेंजर ट्रेन तो उस क्वेश्चन का आंसर होगा जर्मनी यहां पे एक ऑप्शन है साउथ कोरिया जो साउथ कोरिया के साइंटिस्ट हैं इन्होंने हाल ही में क्या किया इन्होंने हाल ही में एक वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम डेवलप किया ये जो वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम है ये माइक्रो प्लास्टिक्स को वाटर से रिमूव करता है इन जस्ट टेन सेकेंड्स सिर्फ दस सेकेंड्स में ये जो वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम है माइक्रो प्लास्टिक्स को वाटर से रिमूव कर देता है यह जो माइक्रो प्लास्टिक्स हैं यह ऐसे प्लास्टिक पार्टिकल्स होते हैं जिनका डायमीटर होता है लेस देन फाइव मिलीमीटर्स mm. ठीक है जो वाटर है इसको हम बहुत सारे मेथड से प्योरीफाई करते हैं एक मेथड है रिवर्स ऑस्मोसिस एक है अल्ट्रा रेज का यूज करना एक है ओजोन का यूज करना यानी कि इन तीनों टेक्निक से हम वाटर को प्योरीफाई करते हैं एक केमिकल है जिसका नाम है सी ए ओ सी एल टू कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या जिसका कॉमन नेम है ब्लीचिंग पाउडर इसको हम यूज़ करते हैं एज डिसइनफेक्टेंट इन वाटर यानी कि वाटर में जो बैक्टीरिया होते हैं उनको किल करने के लिए हम ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ करते हैं कभी कभी हम पोटाश अलम का भी यूज़ करते हैं ये जो पोटाश अलम है इट ऑल्सो एक्ट एज अ डिस इन्फेक्टेंट फॉर वाटर इसकी फॉर्मूला क्या है इसकी फॉर्मूला है के टू एसओ फोर ए एल टू एस फोर होल थ्राइस ट्वेंटी फोर टाइम वाटर ये है फार्मूला ऑफ पोटाश अलम जिसको हम घर पे बोलते हैं ना फटकरी वही होता है पोटाश अलम सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ग्रीन हाइड्रोजन पहला स्टेटमेंट है ग्रीन हाइड्रोजन इज डिफाइंड एज द हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बायोमैस लाइक ट्रीज एंड प्लांट मटीरियल दूसरा स्टेटमेंट है इंडिया फर्स्ट प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट वॉज कमीशन इन जोरहट असाम विच ऑफ दबाउ गिवन स्टेटमेंट इज स्लैश आर करेक्ट यहां पर दो स्टेटमेंट्स गिवन है अबाउट ग्रीन हाइड्रोजन आपको बताना है इन दो स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट सही है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ओनली टू दैट मींस पहला स्टेटमेंट गलत है दूसरा स्टेटमेंट सही है ये जो ग्रीन हाइड्रोजन है इसका क्या मतलब होता है जो वॉटर है अगर मैं वॉटर के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास करूं यानी कि मैंने कैरी आउट किया इलेक्ट्रोलिस ऑफ वॉटर ये जो वाटर है ये ब्रेक डाउन होगा इन टू इट कॉन्स्टिट्यूंट यह टूट जाएगा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में ठीक है जो इलेक्ट्रिक करंट मैंने यहां पे वाटर को ब्रेक डाउन करने के लिए यूज किया अगर ये किसी रीनिवेबल सोर्स से आया है तो जो हाइड्रोजन यहां पे प्रोड्यूस हुआ है इसको हम नाम देंगे ग्रीन हाइड्रोजन समझ में आ गया मैंने ये कहा कि अगर आपने इलेक्ट्रोलिस कैरी आउट की वाटर की जो वाटर है वो ब्रेक डाउन होगा इन टू इट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन अगर ये जो इलेक्ट्रिक करंट है अगर ये किसी रिन्यूएबल सोर्स से आया है जो हाइड्रोजन यहां पे बनेगा उसको हम कहते हैं ग्रीन हाइड्रोजन ठीक है जो ये हाइड्रोजन गैस है इसको डिस्कवर किया था हेनरी कैविनिश ठीक है हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन को नाम दिया था इनफ्लेमेबल एयर लेकिन बाद में फिर हेनरी कैवेंडिश के नाम पे ही इसका नाम पड़ गया हाइड्रोजन जो ये हाइड्रोजन है हाइड्रोजन गैस इट इज लाइटेस्ट गैस हाइड्रोजन गैस की कैलोरीफिक वैल्यू है 150 किलो जूल पर ग्राम कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब होता है अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जनरेटेड डिवाइडेड बाई टोटल मैस ऑफ फ्यूल ठीक है जो कैलोरिफिक वैल्यू है इसकी यूनिट होती है किलो जूल पर के जी मैंने कितना फ्यूल लिया एंड उस फ्यूल की हेल्प से कितनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई उसको हम कहते हैं उस पर्टिकुलर फ्यूल की कैलोरिफिक वैल्यू ठीक है जो दूसरा स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है इंडिया का 99.99 परसेंट .99 प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट वॉज कमीशन इन जोरहट आसाम एंड इसको कमीशन किया किसने ऑयल इंडिया लिमिटेड अगर आपको याद आ रहा होगा ये जो ऑयल इंडिया लिमिटेड है हाल ही में ये बनी थर्टींथ महारत्ना कंपनी इलेवंथ महारत्ना कंपनी है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ट्वेल्थ महारत्ना कंपनी है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड एंड थर्टींथ महारत्ना कंपनी है ऑयल इंडिया लिमिटेड यहां पे आप कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें याद रखिए जस्ट अ सेकेंड जो इंडिया है इसने हाल ही में एक कंट्री के साथ अग्रीमेंट साइन किया फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन एंड वो कंट्री है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इंडिया ने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ एक अग्रीमेंट साइन किया है ऑन ग्रीन हाइड्रोजन डेवलपमेंट यह न्यूज भी याद रखिएगा कि यूनियन कैबिनेट ने हाल ही में एक मिशन अप्रूव किया जिसका नाम है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन एंड इस नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का एम क्या है इसका एम है डेवलप करना ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ एटलीस्ट फाइव मिलियन मेट्रिक टन पर एनम By 2030. हाल ही में यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन एंड इसका एम है डेवलप करना ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ एटलीस्ट फाइव मिलियन मेट्रिक टन पर एन बाय 2030. अगर आपसे पूछा जाए इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट इसको कहां पे कमीशन किया गया इसको कमीशन किया गया गुजरात में यह भी याद रखिएगा कि जो तमिलनाडु है यह इंडिया की पहली स्टेट बनी है जिसने सेटअप किया है ग्रीन क्लाइमेट फंड एक कंपनी है जिसका नाम है लुमिनस पावर टेक्नोलॉजीज़। इसने यह अनाउंसमेंट की है कि यह बनाएगा इंडिया फर्स्ट ग्रीन एनर्जी बेस्ड सोलर पावर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन उत्तराखंड एक बार फिर से मैं ये न्यूज आपके लिए रिपीट कर रहा हूं इंडिया ने यूएई के साथ साइन किया है अग्रीमेंट ऑन ग्रीन हाइड्रोजन डेवलपमेंट जो ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजीज है इसने अनाउंस किया है कि यह बिल्ड करेगा इंडियाज फर्स्ट ग्रीन एनर्जी बेस्ड सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन उत्तराखंड जो यूनियन कैबिनेट है इसने अप्रूव किया है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन एंड ये जो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है इसका एम है डेवलप करना ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ एट लीस्ट फाइव मिलियन मेट्रिक टन परम बाई टू थाउजेंड एंड थर्टी जो तमिलनाडु स्टेट है ये इंडिया की पहली स्टेट बनी है जिसने स्टार्ट किया है ग्रीन क्लाइमेट फंड ठीक है गाइज ये सारी न्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशियेटिव हैव बीन अनाउंसड बाई इंडिया अंडर विच एसेंशियल मेडिकल सप्लाईज विल भी प्रोवाइड टू एनी डेवलपिंग कंट्री अफेक्टेड बाई नेचुरल डिजास्टर्स और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हाल ही में इंडिया ने एक इनिशिएटिव अनाउंस किया है इस इनिशिएटिव के अंडर इंडिया एसेंशियल मेडिकल सप्लाईज प्रोवाइड करेगा किसी भी डेवलपिंग कंट्री को इन केस वहां पे कोई नेचुरल डिजास्टर आता है या वहां पे कोई ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आते हैं आपको उस इनिशिएटिव का नाम बताना है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए आरोग्य मैत्री आपको याद होगा अप्रैल 2020 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ऐप लॉन्च की थी जिसका नाम था आरोग्य सेतु ऐप। इट वाज अ कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप इसको बनाया था नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर विच फंक्शन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये जो आरोग्य सेतु ऐप है ये कॉन्ट्रोवर्सी का शिकार हुआ उसके बाद सरकार ने क्या किया सरकार ने इसका जो सोर्स कोड है उसको ओपन कर दिया पब्लिक कर दिया दैट मीन्स इट इज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ये याद रखिएगा Recently, more than 1 million metric tons of rare earth oxides have been identified in which of the following European countries the largest known such deposit in Europe? हाल ही में किस यूरोपीय देश में more than 1 million metric tons of rare earth oxides मिले हैं? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी स्वीडन। यूरोप की एक कंट्री है जिसका नाम है आइसलैंड। ये जो आइसलैंड है इसने क्या किया है? इसने ओपन किया है वर्ल्ड फर्स्ट कार्बन कैप्चर प्लांट जिसका नाम है ऑर्का यह जो कार्बन कैप्चर प्लांट है यह पुल करेगा कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम दी एटमॉस्फेयर एंड फिर उसको पंप करेगा अंडरग्राउंड जहां पे यह गैस वाटर के साथ मिलके कन्वर्ट हो जाएगी इनटू स्टोन्स स्टोन मैंने क्या कहा मैंने कहा कि वर्ल्ड फर्स्ट कार्बन कैप्चर प्लांट ओपन हुआ है आइसलैंड में जिसका नाम है ऑर्का यह जो कार्बन कैप्चर प्लांट है ऑर्का यह कार्बन डाइऑक्साइड पुल करेगा आउट ऑफ एयर एंड फिर उसको पंप करेगा अंडरग्राउंड जहां पे यह गैस वाटर के साथ मिलके कूल cool हो जाएगी एंड उसके बाद स्टोन में कन्वर्ट हो जाएगी ठीक है एक और इंपॉर्टेंट चीज आप याद रखिएगा अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स इनका नेचर क्या होता है याद रखिएगा दे आर बेसिक इन नेचर ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर बेसिक इन नेचर अगर पूछा जाए ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स दे आर एसिडिक इन नेचर यह भी याद रखिएगा मैच द फॉलोइंग कॉलम ए को कॉलम बी के साथ मैच करना है चलिए करते हैं कांगेर वैली या कांगेर घाटी नेशनल पार्क ये लोकेटेड है छत्तीसगढ़ में गुंडी नेशनल पार्क ये लोकेटेड है तमिलनाडु में बागमारा पिचर प्लांट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये लोकेटेड है मेघालय में एंड काजीरंगा नेशनल पार्क लोकेटेड है असम में दैट मीनस वन का डी टू का सी थ्री का बी एंड फोर का ए ये है करेक्ट आंसर ये जो कांगेर वैली नेशनल पार्क है इट वॉज इन न्यूज क्यों क्योंकि यहां पे देखा गया रेयर ऑरेंज कलर्ड बैट ठीक है ये जो गुंडी नेशनल पार्क है जो लोकेटेड है तमिलनाडु में तमिलनाडु की सरकार ने यह कहा है कि वो यहां पे एक टर्टल कंजर्वेशन एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर सेटअप करेगा तमिलनाडु स्टेट जो है वो गुंडी नेशनल पार्क में सेटअप करेगा एक टोटल कंजर्वेशन एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर यह जो पिचर प्लांट है इसको हम कहते हैं सेरासीनिया अलोंग विद ड्रॉसेरा या जिसको हम कहते हैं संड्यू प्लांट यूट्रिकुलेरिया या जिसको हम कहते हैं ब्लेडर वॉट एंड वीनस फ्लाई ट्रैप ये चारों क्या है? ये चारो हैं ये चारों हैं इंसेक्ट वोरस प्लांट्स ये चारों हैं इंसेक्ट वोरस प्लांट्स असल में जिस सॉइल में ये ग्रो करते हैं वो होती है नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल वो होती है नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल इसी नाइट्रोजन डेफिशिएंसी को ओवरकम करने के लिए डे ट्रैप इंसेक्ट्स नाइट्रोजन डेफिशिएंसी को ओवरकम करने के लिए दे ट्रैप इंसेक्ट्स ठीक है ये जो प्लांट्स हैं ये ऑटोटॉप्स हैं यानी कि दे कैरी आउट फोटोसिंथेसिस लेकिन सिर्फ नाइट्रोजन डेफिशिएंसी को ओवरकम करने के लिए ये इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं एग्जांपल याद रखनी है पिचर प्लांट दैट मीन सेरासिनिया ड्रोसेरा संड्यू यूट्रिकुलेरिया ब्लेडर वॉट एंड वीनस फ्लाई ट्रैप ये जो काजीरंगा नेशनल पार्क है ये लोकेटेड है इन द स्टेट ऑफ असम एंड इट इज फेमस फॉर वन हॉन्ड राइनोसिरोस या राइनोज ठीक है एंड हाल ही में यह न्यूज आई कि जीरो पोचिंग इंसिडेंट्स वेर रिपोर्टेड इन द ईयर 2022 इन द स्टेट ऑफ असम पोचिंग मतलब इलीगली हंट करना 2022 में जीरो पोचिंग इंसिडेंट्स वेर रिपोर्टेड इन द स्टेट ऑफ असम, ठीक है रिसेंटली अ स्टार हैज बीन नेम्ड आफ्टर विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन पर्सनैलिटीज विच हैज बीन रजिस्टर्ड इन दी इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री हाल ही में एक स्टार का नाम किस इंडियन पर्सनैलिटी पे रखा गया इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी अटल बिहारी वाजपेयी ये भी आप याद रखिएगा जो सन है इट इज ऑल्सो स्टार एंड सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड दिस सन यह किसने कहा था यह कहा था कॉपर निक्स ने इसने कहा था कि जो सन है इट इज सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम इसने दी थी हेलियोसेंट्रिक थियरी एंड उसके बाद एक और साइंटिस्ट आया था जिसका नाम था कैपलर। कैपलर ने कहा था जो प्लैनेट्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन इन इलिप्टिकल पाथ्स ठीक है जो अर्थ है जब वो सन के सबसे ज्यादा नजदीक होती है उस पोजीशन को हम कहते हैं पेरीहीलियन एंड पेरीहिलियन के केस में अर्थ होती है 147 मिलियन किलोमीटर्स अवे फ्रॉम सन पेरीहिलियन इट इज द पोजीशन एट विच द अर्थ इज क्लोजेस्ट टू द सन एंड उस टाइम पे डिस्टेंस बिटवीन सन एंड द अर्थ कितनी होती है 147 मिलियन किलोमीटर्स एक और पोजीशन है इसको हम कहते हैं अफिलियन अफिलियन ऐसी पोजीशन को कहते हैं वेन द अर्थ इज फारदेस्ट फ्रॉम द सन सबसे ज्यादा दूर जो अर्थ जब सन के होती है उस पोजिशन को हम कहते हैं अफीलियन इस टाइम पे जो डिस्टेंस होती है बिटवीन सन एंड द अर्थ वो होती है वन हंड्रेड फिफ्टी टू मिलियन किलोमीटर्स ठीक है यह याद रखिएगा यह भी याद रखिएगा कि जब हम सोलर सिस्टम की या यूनिवर्स की बात करते हैं अगर हमें डिस्टेंस मेजर करनी हो तो हम डिस्टेंस करते हैं मेजर Into power 15 meters. Class fourth में यही क्वेश्चन आया था वन कि लाइट किसके बराबर होता है इसका आंसर था 9.46 पॉइंट इंटू टेरिस पावर फिफ्टीन मीटर्स ठीक है एक और डिस्टेंस जिसको हम कहते हैं वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ये किसके बराबर होती है 1.49 पॉइंट फोर नाइन इंटू टेरिस पावर इलेवन मीटर एक और डिस्टेंस वन पार सेक ये किसके बराबर होता है 3.1 पॉइंट वन इंटू टेरिस पावर सिक्सटीन मीटर्स या हम कभी कभी कहते हैं वन पार सेट इज इक्वल टू थ्री पॉइंट टू सिक्स ये सारी डिस्टेंसेज आपको याद रखनी है एक बार फिर से वन लाइट इज इक्वल टू नाइन पॉइंट फोर सिक्स इंटू टेरिस पावर फिफ्टीन मीटर्स वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू वन पॉइंट फोर नाइन इंटू टेरिस पावर इलेवन मीटर्स वन पार्सेक इज इक्वल टू थ्री पॉइंट वन इन टेरिस पावर सिक्सटीन मीटर्स एंड वन पार्सेक इज इक्वल टू थ्री पॉइंट टू सिक्स लाइट ईयर्स। ये भी याद रखिएगा जो सन है इसमें जो एनर्जी होती है वो किस प्रोसेस से आती है वो फ्यूजन प्रोसेस से आती है रीसेंटली इंडिया फर्स्ट इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मोबाइल यूनिट फॉर एनिमल वॉज लॉन्च इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हाल ही में इंडिया का पहला आईवीएफ मोबाइल यूनिट फॉर एनिमल इसको किस स्टेट में लॉन्च किया गया इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी गुजरात आईवीएफ, गैमिट डोनेशन जस्टेशनल सरोगेसी इन तीनों को कहा जाता है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज इन तीनों को कहा जाता है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज आईवीएफ की फुल फॉर्म भी याद रखिएगा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो ये आईवीएफ है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इसमें होता क्या है इसमें होता यह है कि मच्योर एग्स दे आर कलेक्टेड और रिट्रीव्ड फ्रॉम दीज एंड उसके बाद इन एग्स को फर्टिलाइज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ स्पर्म बट इन ए लैब उसके बाद जो ये फर्टिलाइज एग है जिसको हम एम्ब्रियो कहते हैं या एग्स हैं फर्टिलाइज एग्स हैं जिनको हम फिर एम्ब्रियोज कहेंगे इनको ट्रांसफर किया जाता है टू एरस यूटेरस यूटेरस का एक और नाम है वोम्ब ठीक है यानी कि आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में होता यह है कि मच्योर एग्स आर collected or retrieved from the ovaries and are fertilized with the help of sperm in a lab then the fertilized egg or eggs are transferred to a uterus ठीक है उसके बाद after 14 days pregnancy test किया जाता है ठीक है ये है IVF in vitro fertilization यहाँ पे आपको कुछ और important चीजें याद रखनी हैं अगर आपसे पूछा जाए इंडियाज फर्स्ट एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर यह कहां पे सेटअप किया गया है यह सेटअप किया गया है लखनऊ उत्तर प्रदेश कुछ और चीजें आपको याद रखनी है एंड फॉर दैट आई नीड स्पेस जस्ट अ सेकेंड अगर आपसे पूछा जाए वर्ल्ड फर्स्ट कंजर्वेशन सेंटर फॉर एशियन किंग वॉल्चर्स यह कहां पे बनाया गया है ये बनाया गया है महाराजगंज उत्तर प्रदेश एंड इसका नाम है इस कंजर्वेशन सेंटर का नाम है जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर यह भी आपको याद रखना है कि वल्चर्स हाइनाज क्रोज एटसेट्रा इनको हम कहते हैं स्केवेंजर्स इनको हम कहते हैं स्केवेंजर्स क्यों बिकॉज दे कीप एन इको सिस्टम फ्री ऑफ बॉडीज ऑफ डेड एनिमल्स ठीक है अगर आपसे पूछा जाए ये जो स्केवेंजर्स हैं ये किस ट्रॉफिक लेवल को ऑक्यूपाई करते हैं यहां पे मैं अगर एक पिरामिड ऑफ नंबर बनाऊं यहां पे आएंगे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स उसके बाद आएंगे प्राइमरी कंज्यूमर्स सेकेंडरी कंज्यूमर्स एंड टर्शरी कंज्यूमर्स दैट मीन ये है फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल यह है सेकेंड ट्रॉफिक लेवल यह है थर्ड ट्रॉफिक लेवल एंड यह है फोर्थ ट्रॉफिक लेवल एंड ये जो स्कैंजर्स हैं ये नॉर्मली आते हैं किसमें फोर्थ ट्रॉफिक लेवल में रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज अप्रूव द वर्ल्ड फर्स्ट वैक्सीन फॉर हनी बीज हाल ही में किस कंट्री ने वर्ल्ड का पहला वैक्सीन फॉर हनी बीज अप्रूव किया इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो अमेरिका में हनी बीज होती हैं इनमें एक बैक्टीरियल डिजीज लगती है जिस बैक्टीरियल डिजीज का नाम है अमेरिकन फाउल ब्रूड एंड ये जो बैक्टीरियल डिजीज है इट मेनली अफेक्ट लार्वा ठीक है ये याद रखिएगा अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए जो बी सिटिंग होती है उसमें कौन सा एसिड होता है उसमें होता है फॉर्मिक एसिड यह याद रखिएगा बी सिटिंग में होता है फॉर्मिक एसिड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट पहला स्टेटमेंट है इंडिया हैज सेट अ टारगेट टू एलिमिनेट काला अजर और ब्लैक फीवर बाय द ईयर 2023 दूसरा स्टेटमेंट है बबूनिक प्लेग ज ए जूनोटिक डिजीज तीसरा स्टेटमेंट है डीपीटी इज ए ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन एंड फोर्थ स्टेटमेंट है मलेरिया इज कॉज बाई फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो एंड इट इज ए बैक्टीरियल डिजीज इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ठीक है यही स्टेटमेंट गलत है एंड यही हमारा आंसर है बिकॉज यहां पे पूछा था नॉट करेक्ट दैट मीन्स ये तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं फोर्थ स्टेटमेंट इनकरेक्ट है यही हमारा आंसर है ये जो मलेरिया है इट इज कॉज्ड बाई फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो इतना पार्ट सही है यानी कि ये जो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो है ये वेक्टर है किसका मलेरिया का एंड जिस पैरासाइट को ये फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो कैरी करती है उसका नाम है प्लाज्मोडियम लेकिन ये जो प्लाज्मोडियम है ये बैक्टीरिया नहीं है ये क्या है ये एक प्रोटोजुआ है दैट मीन्स मलेरिया इज अ प्रोटोजोअन डिजीज ठीक है इंडिया का टारगेट है एलिमिनेट करना काला अज़र या ब्लैक फीवर को बाय द ईयर 2023 ये यह स्टेटमेंट सही है जो काला अज़र है इसका नाम है ब्लैक फीवर एक और नाम है इसका दमदम फीवर ठीक है इसके लिए जो वेक्टर रेस्पॉन्सिबल होता है उसका नाम है सैंडफ्लाई एंड सैंडफ्लाई जिस पैरासाइट को कैरी करती है उसका नाम है लीश डोनोवेनी And ये जो लीशमेन या डोनोवेनी है ये भी एक प्रोटोजोआ है काला अजर के लिए जो टेस्ट होता है उसको हम कहते हैं के थर्टी नाइन टेस्ट ठीक है एक और डिजीज है जिसका नाम है ट्यूबर इंडिया का टारगेट है बाय द एंड ऑफ द ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी फाइव ट्यूबर को इंडिया से खत्म करना ट्यूबर क्लोसिस एक बैक्टीरियल डिजीज है एंड इट इज कॉज बाई माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबर टीबी के लिए जो वैक्सीन होता है उसको हम कहते हैं बीसीजी वैक्सीन बेसिलस कालमेट यूरिन, बेसिलस कालमेट यूरिन वैक्सीन होती है फॉर ट्यूबर एक और ड्रग फॉर ट्यूबर क्लोसिस उसका नाम है बेडाक्यूलिन बेडाक्यूलिन इज अ ड्रग यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबर एक और डिजीज जिसका नाम है लिम्फैटिक फ्लेरियसिस या जिसको हम कहते हैं एलिफेंटाइसिस इंडिया का टारगेट है इस लिम्फेटिक फ्लेरियसिस को एंड करना बाय द एंड ऑफ द ईयर 2027 एक और डिजीज है जिसका नाम है सिकल सेल एनीमिया एंड इंडिया का टारगेट है एलिमिनेट करना सिकल सेल एनीमिया को बाय द एंड ऑफ द ईयर 2047। बबूनिक प्लेग इज ए जूनोटिक डिजीज यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है जूनोटिक डिजीज हम ऐसी डिजीज को कहते हैं दैट जंप फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूम दैट मीनस पहले वो डिजीज सिर्फ एनिमल्स में थी लेकिन एनिमल्स से जंप करके वो अब ह्यूम में आ गई है ऐसी डिजीज को हम कहते हैं जूनोटिक डिजीज ये जो डीपीटी है इट इज अ ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन ये स्टेटमेंट भी सही है डीपीटी यानी कि डिपथरिया पर्ट्यूस एंड टेटनस ये जो डीपीटी वैक्सीन है ये तीन डिजीजेस के लिए दी जाती है डिप्थरिया पोट्यूसिस जिसका एक और नाम है वूपिंग कफ एंड टेटनस यानी कि तीन डिजीजेस के लिए एक ही वैक्सीन है इसीलिए हम इसको कहते हैं ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन ठीक है एक और पॉइंट यहां पे जस्ट है सेकेंड आपको तीन मॉस्किटोज के नाम याद रखने हैं एक है यही फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो यह वैक्टर होता है किसका मलेरिया का एक और मॉस्किटो है जिसका नाम है कूलेक्स मॉस्किटो एंड ये तीन डिजीज स्प्रेड करता है यानी कि वेक्टर होता है ये तीन का एक फीवर एंड लिम्फेटिक या जिसको हम एक और नाम से जानते हैं एल्फेंटाइसिस एक और मॉस्किटो है जिसका नाम है एडीज एजिपिटी ये जो एडीज एजिपिटी मॉस्किटो है ये वेक्टर होता है चार डिजीजेस का एक है डेंगू चिकनगुनिया येलो फीवर एंड जीका वायरस डेंगू चिकनगुनिया येलो फीवर एंड जीका वायरस इन चार डिजीजेस के लिए एक ही वेक्टर रेस्पॉन्सिबल होता है एंड उसका नाम है एडीज एजिपिटी मॉस्किटो कूलेक्स ये भी एक मॉस्किटो है फीमेल एनोफिलीज ये भी एक मॉस्किटो है कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें आप यहां पे याद रखिए जस्ट ए सेकेंड अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए इंडिया का पहला इंट्रानेजल कोविड 19 वैक्सीन का नाम क्या है उसका नाम है इनकोवैक या इसका एक और नाम है ये है यह इंडिया का पहला इंट्रानेजल कोविड 19 वैक्सीन एंड इसको प्रिपेयर किसने किया है डेवलप किसने किया है भारत बायोटेक यह हैदराबाद बेस्ड कंपनी है भारत बायोटेक ने डेवलप किया है इनकोवैक वैक्सीन यह है इंडिया का पहला इंट्रानेजल कोविड 19 वैक्सीन इससे पहले मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया भी है एक वैक्सीन है जिसका नाम है लंपी प्रोवाक इंड एक वैक्सीन है जिसका नाम है लंपी प्रोवाक इंड यह है इंडिया का इंडीजीनियस वैक्सीन फॉर लंपी स्किन डिजीज इन कैटल इसको बनाया है आई इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने इंडिया का पहला इंडीजीनियस वैक्सीन बनाया है और लंपी स्किन डिजीज जिसका नाम है लंपी प्रोवाक इंड। एक अफ्रीकन कंट्री है जिसका नाम है युगांडा इसकी कैपिटल है कंपाला युगांडा ने हाल ही में डिक्लेयर किया है एंड ऑफ इबोला डिजीज इबोला एक वायरल डिजीज है इसी का एंड डिक्लेयर किया है किसने युगांडा ने यानी कि युगांडा से खत्म हो गई है इबोला वायरल जो केरला है केरला में हाल ही में दो इंफेक्शन सामने आए किस डिजीज के नोरो में हाल ही में दो इंफेक्शन सामने आए ऑफ वायरस ये जो वायरस है इट इज अ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इंफेक्शन वायरस इज अ गैस्ट्रो इंफेक्शन एंड इसके केसेस कहां पे मिले हैं हाल ही में केरला में अकॉर्डिंग टू द रिसेंट एनालिसिस ऑफ सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एयर क्वालिटी डेटा बाई द नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम ट्रैकर विच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्लीनेस्ट सिटीज ऑफ इंडिया इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी श्रीनगर एंड कोहिमा जो श्रीनगर है इट इज द्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया इन टर्मज ऑफ पी एम टू पॉइंट फाइव एंड कोहिमा कैपिटल ऑफ नागालैंड इट इज द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया इन टर्मस पार्ट्रिकुलेट मैटर टेन पी एम टू पॉइंट फाइव का मतलब होता है पार्ट्रिकुलेट मैटर ऑफ साइज टू पॉइंट फाइव माइक्रोनस और लेस एंड पी एम टेन का मतलब होता है पार्टिकुलेट मैटर ऑफ साइज टेन माइक्रोनस और लेस या तो टेन माइक्रोनस या तो उससे छोटे पार्टिकल्स पी एम टू पॉइंट फाइव का मतलब होता है पार्टिकुलेट मैटर ऑफ साइज टू पॉइंट फाइव और लेस ठीक है पी एम टू पॉइंट फाइव के हिसाब से जो मोस्ट पोल्यूटेड सिटी है दैट इज डेली एंड पीएम टेन के हिसाब से जो मोस्ट पोल्यूटेड सिटी है वो है गाजियाबाद गाजियाबाद उत्तर प्रदेश ये भी आप यहां पे याद रखिएगा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है ए क्यू आई इसमें एट पोल्यूटेंट्स को मेजर किया जाता है वो कौन कौन से पोल्यूटेंट्स हैं नोट कीजिए पीएम टू पॉइंट फाइव पीएम टेन ओजून अमोनिया, लेड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोक्साइड वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट यस यही एट पोल्यूटेंट्स को मेजर किया जाता है अंडर एयर क्वालिटी इंडेक्स उसके बाद अगर ए क्यू आई की वैल्यू जीरो टू फिफ्टी आती है हम कहते हैं एयर क्वालिटी इज गुड अगर फिफ्टी वन टू हंड्रेड के बीच में एयर क्वालिटी इंडेक्स की वैल्यू आती है हम कहते हैं एयर क्वालिटी इज सेटिसक्ट्री वन हंड्रेड वन टू टू हंड्रेड हम कहते हैं एयर इज मॉडरेटली पोल्यूटेड टू हंड्रेड वन टू थ्री हंड्रेड हम कहते हैं क्वालिटी ऑफ एयर इज पुअर फोर हंड्रेड हम कहते हैं क्वालिटी ऑफ एयर इज वेरी पुअर फोर हंड्रेड वन टू फाइव हंड्रेड हम कहते हैं क्वालिटी ऑफ एयर इज सीवियर यह आपको याद रखना है एयर क्वालिटी इंडेक्स में एट पोल्यूटेंट्स को मेजर किया जाता है पीएम एम टू पॉइंट फाइव पी एम टेन ओजून अमोनिया लेड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड ए क्यू आई की वैल्यू जीरो टू फिफ्टी एयर क्वालिटी इज गुड फिफ्टी वन टू हंड्रेड एयर क्वालिटी इज सेटिसक्ट्री वन हंड्रेड वन टू टू हंड्रेड मॉडरेटली पोल्यूटेड टू हंड्रेड वन टू थ्री हंड्रेड पोअर थ्री हंड्रेड वन टू फोर हंड्रेड वेरी पुअर एंड फोर हंड्रेड वन टू फाइव हंड्रेड एयर क्वालिटी इज सीवियर ये जो सीपीसीबी है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इट वॉज फॉम्ड इन दर नाइनटीन हंड्रेड एंड सेवेंटी फोर इसके हेडक्वार्टर लोकेटेड है न्यू डेली में एंड ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जिसके अभी के टाइम पे यूनियन मिनिस्टर हैं भूपेंद्र यादव भूपेंद्र यादव इज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ये तो हो गया यहां पे एयर क्वालिटी इंडेक्स एक और चीज होती है जिसको हम कहते हैं नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स या नाक्स नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स इसमें ट्वेल्व पोल्यूटेंट्स को मेजर किया जाता है एट पोल्यूटेंट्स तो यही हैं जो एक्वाई में आते हैं एक्स्ट्रा फोर जो हैं वो मैं आपको यहां पे बता देता हूं एक है निकल आर्सिनिक बेंजीन एंड बेंजोपाइरीन एट जो पोल्यूटेंट्स ए के अंडर आते हैं एक तो वो दूसरा निकल आर्सेनिक बेंजीन एंड बेंजोपाइरिन इन ट्वेल्व पोल्यूटेंट को मेजर किया जाता है अंडर नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स यह भी आपको याद रखना है पार्टिकुलेट मैटर का जितना साइज छोटा होता है उतना वो ज्यादा हार्मफुल होता है ठीक है यानी कि पार्टिकुलेट मैटर 2.5 पॉइंट फाइव इज मोर हार्मफुल देन पार्टिकुलेट मैटर टेन ये जो पीएम टू पॉइंट फाइव है इट कॉजेज रेस्पिरेटरी डिजीजेज इट कॉजेज इंफेक्शन इन द थ्रोट हार्ट डिजीजेज लंग कैंसर एटसेट्रा एटसेट्रा आप बस ये याद रखिए पार्टिकुलेट मैटर का साइज जितना छोटा उतना वो ज्यादा हार्मफुल होता है रिसेंटली नॉर्थ इंडिया लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट ऑफ 2000 थाउजेंड किलोवॉट पीक हैज बीन इनोग्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ओब्लिक यूनियन टेरिटरीज हाल ही में नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट टू थाउजेंड किलो वाट पीक इसको कहां पर इनोग्रेट किया गया इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी चंडीगढ़ यह भी याद रखिएगा कि नॉर्थ इंडिया का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट इसको कहां पर बनाया जाएगा इसको बनाया जाएगा इन द स्टेट ऑफ हरियाणा ठीक है अगर आपसे पूछा जाए नॉर्थ इंडिया का पहला रिवर रिज्यूविनेशन प्रोजेक्ट वो है, है देविका रिवर प्रोजेक्ट पढ़ाया है देविका रिवर प्रोजेक्ट ठीक है अगर आपसे पूछा जाए वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट ये कहां पे है ये है ऑन ओमकारेश्वर डैम कहां पे है ये ओमकारेश्वर डैम पे है ये लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट इन द वर्ल्ड ये जो ओमकारेश्वर डैम है ये किस पे बनाया गया है ये बनाया गया है नर्मदा रिवर पे ठीक है और यह जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट है इसकी कैपेसिटी है 600 मेगावाट ठीक है एंड यह लोकेटेड है इन खांडवा डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश यह लोकेटेड है इन खांडवा डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश यह भी आपको याद रखना है वर्ल्ड बायोफ्यूल डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज जो वर्ल्ड बायोफ्यूल डे है इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि यह कब सेलिब्रेट किया जाता है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी टेंथ ऑफ ऑगस्ट वर्ल्ड बायोफ्यूल डे इज सेलिब्रेटेड ऑन टेंथ ऑफ ऑगस्ट एवरी ईयर कुछ इंपॉर्टेंट बायोफ्यूल्स आपको याद रखने हैं एक है मिथेनॉल या जिसको हम कहते हैं मिथाइल एल्कोहल एक है इथेनॉल या जिसको हम कहते हैं इथाइल एल्कोहल एंड एक है बायोडीजल दीज आर सम इंपॉर्टेंट बायोफ्यूल्स ये जो बायोडीजल है इसको हम किन चीजों से प्रिपेयर करते हैं नोट कीजिए एक है यूज कुकिंग ऑयल वेजिटेबल ऑयल्स येलो ग्रीस एंड एनिमल फैट्स इनसे बायोडीजल को प्रिपेयर किया जाता है एंड जिस प्रोसेस से बायोडीजल बनाया जाता है उस प्रोसेस का नाम है ट्रांस एस्ट्रिफिकेशन ये जो ट्रांस एस्ट्रीफिकेशन प्रोसेस है इस प्रोसेस में क्या होता है जो फैट्स हैं एंड ऑयल्स हैं दे आर कन्वर्टेड इनटू बायोडीजल एंड गलाइसरीन कभी अगर एग्जाम में पूछा जाए ट्रांस एस्ट्रिफिकेशन प्रोसेस क्या है इट इज अ प्रोसेस इन विच फैट्स एंड ऑयल दे गेट कन्वर्टेड इन टू बायोडीजल एंड गलाइसरीन जो बायोडीजल है इसको किन चीजों से प्रिपेयर किया जाता है यूज कुकिकिंग ऑयल वेजिटेबल ऑयल येलो ग्रीज एंड एनिमल फैट्स एक और इंपॉर्टेंट चीज आप यहां पर याद रखिए अभी के टाइम पे यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस कौन है हरदीप सिंह पुरी ठीक है ये जो हरदीप सिंह पुरी हैं इन्होंने हाल ही में एक इनलैंड वाटर वेसल जिसका नाम है एस बी गंगाधर इनलैंड वाटर वेसल जिसका नाम है एस बी गंगाधर ये किस पे चलता है ये इनलैंड वाटर वेसल ये चलता है मिथेनॉल ब्लेंडेड डीजल पे ये चलता है मेथेनॉल ब्लेंडेड डीजल पे इसका हाल ही में एक डेमो रन हुआ था उस डेमो रन को इनोग्रेट किया था हरदीप सिंह पुरी ने कहां पे ब्रह्मपुत्रा रिवर गुवाहाटी गुवाहाटी असम की कैपिटल है एंड गुवाहाटी इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्रा ठीक है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कोल पहला स्टेटमेंट है कोल अलॉन्ग विद पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस इज अ फॉसिल फ्यूल दूसरा स्टेटमेंट है एंथ्रासाट इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल विद हाइस्ट कैलोरिफिक वैल्यू एंड कैरीज 80 टू 95 फाइव परसेंट कार्बन कॉन्टेंट इट इग्नाइट स्लोली विद ब्लू फ्लेम एंड इज फाउंड इन स्मॉल क्वांटिटीज इन जम्मू एंड कश्मीर विच ऑफ द अबाउ गिवन स्टेटमेंट इज स्लैश आर करेक्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बोथ वन एंड टू ये दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं। कोल पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ये तीनों फॉसिल फ्यूल्स हैं, ठीक है एंड एंथ्रासाइट इज द बेस्ट वैरायटी ऑफ कोल जो कोल है इसकी चार वैरायटीज होती हैं एंथ्रासाइट बिटुमिनस लिग्नाइट एंड पीट पीट इज यंगेस्ट वैरायटी ऑफ कोल एंड सबसे घटिया वैरायटी ऑफ कोल एंथ्रासाइट इज द बेस्ट वैरायटी ऑफ कोल इसमें होता है हाईएस्ट कार्बन कंटेंट एंड हाइस्ट कैलोरीफिक वैल्यू कार्बन कंटेंट होता है इसमें 80 टू 95 परसेंट यहां पे आपको एक इंपॉर्टेंट न्यूज याद रखनी है वो ये है कि इंडियाज फर्स्ट कोल गैसिफिकेशन बेस्ड ताल्चर फर्टिलाइजर प्लांट इसको कमीशन किया जाएगा इन अक्टूबर 2024 एंड ये बन रहा है इन द स्टेट ऑफ उडिशा इंडियाज फर्स्ट कोल गैसिफिकेशन बेस्ड तालचर फर्टिलाइजर प्लांट इसको कमीशन किया जाएगा इन अक्टूबर 2024 एंड यह बन रहा है इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा। अब हम देखेंगे यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट स्पेस मिशन जो नासा है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसका एक मिशन है जिसका नाम है मेवन एम ए ई एन इसकी फुल फॉर्म क्या है मार्स एटमोसफियर एंड वोलाटाइल एवोल्यूशन मार्स एटमोसफियर एंड वोलाटाइल एवोल्यूशन अगर एग्जाम में पूछा जाए जो मेवन मिशन है यह किसका है यह है नासा का जो नासा है इसने इसरो के साथ मिलकर बनाया है निसार इसकी फुल फॉर्म क्या है नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार ये एक सैटेलाइट है निसार की फुल फॉर्म है नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार ये एक सैटेलाइट है एंड इसको ज्वाइंटली तैयार किया है किसने नासा एंड इसरो ने जो नासा है इसका जाक्सा के साथ एक मिशन था जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी एंड उस मिशन का नाम था जियोटेल स्पेसक्राफ्ट ठीक है आफ्टर थर्टी इयर्स इसको बंद किया गया जियोटेल स्पेसक्राफ्ट इसको आफ्टर थर्टी ईयर्स बंद किया गया शट डाउन किया गया यह था जक्सा एंड नासा का नासा का एक और मिशन है जिसका नाम है साइक मिशन जो मार्स प्लेनेट है एंड जुपिटर प्लेनेट है इन दो प्लेनेट्स के बीच में एक एस्ट्रॉइड बेल्ट लाई करती है उसी में एक एस्ट्रॉइड है साइक उसी साइक एस्ट्रॉइड को स्टडी करने के लिए नासा ने एक मिशन लॉन्च किया है जिसका नाम है साइक मिशन ठीक है जो जाक्सा है जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी इसका एक मिशन हाल ही में न्यूज में था जिसका नाम है स्लिम स्लिम की फुल फॉर्म है स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून मिशन स्लिम मिशन यह है किसका यह है जाक्सा का एंड इट इज रिलेटेड टू मून स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून जो ये रॉस कॉस्मास है इसका एक मिशन है जिसका नाम है लूना 25 फाइव एंड इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू मून जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है इसका एक इंपॉर्टेंट मिशन है जिसका नाम है जूस मिशन जूस की फुल फॉर्म है जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर यानी कि जुपिटर की जो मून्स हैं उनको स्टडी करने के लिए यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने एक मिशन लॉन्च किया है जिसका नाम है जूस मिशन ठीक है इसके बाद हम आते हैं इसरो पे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इट वॉज फाउंड इन द ईयर 1969। इसके हेडक्वार्टर हैं बेंगलुरु कर्नाटका एंड अभी के टाइम पे चेयरपर्सन ऑफ इसरो और चीफ ऑफ इसरो कौन है एस सोमनाथ ठीक है इसरो के कुछ इंपॉर्टेंट मिशंस आपको याद रखने हैं एक है शुक्रयान एंड शुक्रयान इज रिलेटेड टू वीनस कहा जाता है 2031 के आसपास इस मिशन को लॉन्च किया जाएगा दूसरा मिशन है चंद्रयान थ्री ये जो चंद्रयान थ्री है इसके लिए जो लॉन्च व्हीकल यूज किया गया था दैट वाज जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क थ्री जीएसएल वी मार्क थ्री लॉन्च वहीकल यूज किया गया था चंद्रयान थ्री के लिए ठीक है जो लैंडर था उसका नाम था विक्रम एंड जो रोवर था उसका नाम क्या था उसका नाम था प्रज्ञान इस मिशन को लॉन्च किया गया था ऑन फोर्टींथ ऑफ जुलाई टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री एंड यह पहुंचा ऑन द मून ऑन ट्वेंटी थर्ड ऑगस्ट टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री एंड इट लैंडेड सक्सेसफुली ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून ये जो विक्रम लैंडर है जहां पे ये मून पे उतरा उस लैंडिंग पॉइंट का नाम रखा गया है शिव शक्ति पॉइंट उस लैंडिंग पॉइंट का नाम रखा गया है शिव शक्ति पॉइंट जहां पे चंद्रयान टू उतरा था ठीक है उसका लैंडर उसको नाम दिया गया है तिरंगा पॉइंट लेकिन जहां पे चंद्रयान थ्री लैंड किया है ऑन द मून उस पॉइंट को नाम दिया गया है शिव शक्ति पॉइंट एंड पीएम नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा है कि ट्वेंटी अगस्त को अब हर साल सेलिब्रेट किया जाएगा नेशनल स्पेस डे ये भी याद रखिएगा कि दुनिया में चार ही कंट्रीज ऐसी हैं दैट हैव बीन एबल टू सक्सेसफुली लैंड ऑन द मून वो है यूएसए रशिया चाइना एंड इंडिया यूएसए रशिया चाइना इंडिया एक और मिशन है इसरो का जिसका नाम है आदित्य एलवन ये जो आदित्य एलवन है इट इज अ मिशन रिलेटेड टू दी सन आदित्य एलवन इज मिशन ऑफ इसरो एंड इट इज रिलेटेड टू सन आदित्य एलवन के लिए जो रॉकेट यूज किया गया जो लॉन्च व्हीकल यूज किया गया उसका नाम है पी एस एल वी सी फिफ्टी सेवन पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल सी फिफ्टी सेवन जीएसएल की फुल फॉर्म होती है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एंड पी एस एल वी की फुल फॉर्म होती है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल आदित्य एलवन के लिए जिस लॉन्च व्हीकल का यूज किया गया वो है पी एस एल वी सी फिफ्टी सेवन यह है इंडिया का पहला सोलर मिशन आदित्य एलवन विल हेल्प इन सन ठीक है एक और मिशन है इसरो का जिसका नाम है गगनयान यह जो गगनयान मिशन है इसके अंडर क्या होगा इसके अंडर होगा यह कि इंडिया एक थ्री मेंबर के क्रू को कहां भेजेगा वो भेजेगा इंटू एन ऑर्बिट ऑफ फोर हंड्रेड किलोमीटर्स फॉर थ्री डेज यानी कि इंडिया फर्स्ट मैंड मिशन इज गगनयान इंडिया पहली बार ह्यूमन को स्पेस में भेजेगा एंड उस मिशन का नाम है गगनयान कहा जाता है कि बिफोर टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर इस गगनयान मिशन को लॉन्च किया जाएगा एक और चीज आपको याद रखनी है एंड वो है अल्ट्रा सैट यूएल टी आर ए एस ए टी इसकी फुल फॉर्म क्या है इसकी फुल फॉर्म है अल्ट्रा वायल्टियंट एस्ट्रॉनोमी सैटेलाइट एंड इसको लॉन्च किया है किसने इसराइल स्पेस एजेंसी इसराइल स्पेस एजेंसी ने एक सैटेलाइट लॉन्च की है जिसका नाम है अल्ट्रा वायलट ट्रांजियंट एस्ट्रॉनोमी एक और चीज आपको याद रखनी है वो है टेम्पो इसकी फुल फॉर्म क्या है इसकी फुल फॉर्म है फेरिक एमिशन मॉनिटरिंग ऑफ पोल्यूशन ट्रोपोसरिक एमिशन मॉनिटरिंग ऑफ पोल्यूशन है किसका यह है नासा का ठीक है एंड इसको लॉन्च किया गया स्पेस एक्स के रॉकेट से जिसका नाम है फैलकन नाइन यह जो टेम्पो है यह क्या है यह एक डिवाइस है जो ट्रैक करेगा एयर पोल्यूशन को ओवर नॉर्थ अमेरिका फ्रॉम स्पेस ठीक है टेम्पो इज अ डिवाइस दैट विल ट्रैक एयर पोल्यूशन ओवर नॉर्थ अमेरिका फ्रॉम स्पेस यह है नासा का एंड इस टेम्पो को लॉन्च किया गया स्पेस एक्स के एक रॉकेट से जिसका नाम है फैल्कन नाइन रॉकेट ठीक है अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि जो स्टारशिप है यह दुनिया का सबसे बड़ा रॉकेट है यह किस कंपनी का है यह भी है स्पेस एक्स का एंड स्पेस एक्स के मालिक कौन है स्पेस एक्स के मालिक है इलॉन मस्क जो ट्विटर के मालिक हैं जो टेस्ला के मालिक हैं, वही हैं स्पेस एक्स के भी मालिक ठीक है मैच द फॉलोइंग कॉलम ए को कॉलम बी के साथ मैच करना है चलिए करते हैं क्लेंगुला हाईमेलिस इट इज अ लॉन्ग टेल्ड डक फाउंड इन वुलर लेक एट्रैक्टोस्टिया स्पेट्यूला एलिगेटर गार फिश फाउंड इन डल लेको शिफेन इट इज फॉसिल रिमेन्स ऑफ ए बर्ड फाउंड इन चाइना एंड गरैर नमून बुश टमेटो इट इज न्यू स्पीशीज ऑफ बुश टमेटो डिस्कवर्ड इन ऑस्ट्रेलिया ठीक है दैट मीनस वन का आएगा सी टू का आएगा डी थ्री का आएगा बी एंड फोर का आएगा ए ठीक है यह है इसका करेक्ट आंसर यह भी आप याद रखिएगा जो ये टमेटो है ये एक फ्रूट है ना कि वेजिटेबल एंड जो एसिड टमेटो में प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं ऑग्जेलिक एसिड द एसिड प्रेजेंट इन टोमेटो इज ऑग्जैलिक एसिड ग्रेप्स एंड टमेरिंड इनमें जो एसिड प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं टार्टारिक एसिड ठीक है जो एप्पल होता है इसमें होता है मैलिक एसिड एंड लेमन या ऑरेंज इनमें होता है साइट्रिक एसिड ठीक है जो भी फ्रूट सावर होता है उनमें होता है साइट्रिक एसिड ठीक है ये था हमारा पहला क्लास ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत सारे जेके एस के एग्जाम्स में साइंस एंड टेक्नोलॉजी सिलेबस में मैंशनड है इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसको कवर करने की कोशिश करूं आई होप ये पहला क्लास आपको पसंद आया होगा थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बहुत जल्द हमारी मुलाकात होगी किसी और वीडियो में तब तक के लिए في امان الله